हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल्स न्यू एमित राजस्थान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं, सीएससी पोर्टल पे दो नोटिफिकेशन आ चुके हैं, जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री मानधन योजना, इनके जो सीएससी पे पहले सॉरी सीएससी की जो सर्विस है मित्र पे लागू की गई थी कि आपको अपना मोबाइल नंबर रजिस्ट्रेशन करना है उस पर आप उस सर्विस को ओपन कर पाए, उसके जो नोटिफिकेशन है, क्या क्या नोटिफिकेशन इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और दोस्तों, उम्मीद करूंगा आपको ये वीडियो पसंद आएगा, और पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो हमारा जो चैनल है न्यू मित्र राजस्थान, इसको सब्सक्राइब करना, जो ये रेड वाला बटन है इस पर क्लिक करके पास इस बेल आइकन को दबा के ऑल पे क्लिक कर देना है, ताकि जो भी हम ई मित्र और सीएससी रिलेटेड जो भी वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल पाएगा और वीडियो संपूर्ण देख पाएंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, चलते हैं मित्र के पोर्टल पे और बताते हैं नोटिफिकेशन के बारे में। जैसे दोस्तों, हम इस मित्र पोर्टल पे आ जाते हैं, आपको हम दोनों दिखाने वाले हैं। आज की डेट में नोटिफिकेशन आया दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हो, आप यहाँ पे देख सकते हो कि आप वो बता गया पीए कियोस्क यहाँ पे आपको दोस्तों देखने को मिल जाता है। यहाँ पे प्रिय कियोस्क धारक सीएसईएस पीवी की सेवाओं को ई मित्र से देने के लिए लॉगिन हेतु आपकी जो एसएसओ आईडी में दर्ज मोबाइल नंबर का में लिया जाएगा। ई मित्र पोर्टल पर सर्विस के अंदर जो आपको ये ऑप्शन देखने को मिल जाता है, सर्विस में मोबाइल रजिस्ट्रेशन फॉर्म मानधन सर्विस पेज में जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करना सुनिश्चित करें। यानी जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था किस तरह से हम यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करें मोबाइल नंबर का, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो वीडियो जरूर देखना। दोस्तों, दूसरा नोटिफिकेशन आया कि यहाँ पे देख सकते हो, आज की डेट में दोनों नोटिफिकेशन आया है। फिर ये किसको धारक एसईएसपीवी विभाग की सीएससी एसपीवी अपडेट इन पीएम किसान पीएम श्रम योगी एंड एनएसपी टेस्ट पी सेवा ई मित्र पोर्टल प्रारंभ कर देगी। यानी दोस्तों, ये सेवा ई मित्र प्रारंभ कर देगी। ये दो नोटिफिकेशन आपके बारे में आए, तो आज नोटिफिकेशन आप यहाँ पे देख सकते हो, जो नोटिफिकेशन मैंने जानकारी आपको दे दी है, जो ये सर्विसेज है ई मित्र के सेक्शन पे अपलोड कर दी गई है। तो इसमें था कि अपना जो रजिस्ट्रेशन अभी तक आपने नहीं किया तो रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। आपको मैं बता दूं किस तरह से आपको ये मोबाइल नंबर अपडेट करना है। जैसे दोस्तों, हम इसको क्लोज कर देते हैं, जैसे यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे आपको सर्विसेज का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। इस सर्विसेज ऑप्शन में आपको आ जाना है, जैसे आप सर्विस ओपन आ जाओगे तो नीचे नीचे आप स्क्रॉल करोगे दोस्तों, यहाँ पे मोबाइल नंबर रजिस्ट्रेशन फॉर मानधन सर्विस, इस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करोगे आपको एसएसओ आईडी मोबाइल नंबर देखने को मिल जाता है, यहाँ पे टिक आउट करके यस बटन पे आपको सिंपली क्लिक कर देना। जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे मोबाइल नंबर ऑलरेडी अपडेटिंग में मानधन योजना, क्योंकि मेरे यहाँ पहले से अपडेट है इसलिए अपडेट है, नहीं तो आपको यहाँ पे अपडेटिंग बता देगा। तो दोस्तों, ये थी छोटी जानकारी, और वो किस तरह से लॉग इन कर पाएंगे, क्या क्या वो सर्विसेज को हम काम करेंगे, उसका वीडियो आपको मिल जाएगा। उम्मीद करूँ आपको जानकारी पसंद आएगी, अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, धन्यवाद।